वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट प्लस। आज हम बात करने वाले हैं चार्ट एनालिसिस के बारे में। चार्ट को एनालाइज कैसे करते हैं, इसमें क्या देखना चाहिए और कहां से देखना चाहिए। हमारे सेमिनार पूरे इंडिया में होते हैं, काफ़ी लोग मुझे यही सवाल पूछते हैं कि सर चार्ट में क्या देखना चाहिए और चार्ट कहाँ से देखते हैं। ये सवाल आता ही है और ये बात सही भी है कि चार्ट में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो देखनी चाहिए, क्योंकि उसका भी एक स्टैंडर्ड होता है। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है, जैसे इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न्स, तो इस तरह से काफ़ी चीज़ हमने देखी है। तो सबसे पहला चार्ट में ट्रेंड देखना चाहिए और ट्रेंड ऊपर का है या नीचे का वो पता कीजिए। जैसे तीन प्रकार के ट्रेंड मार्केट्स में होते हैं। सबसे पहला है अपर ट्रेंड, जो ऊपर की दिशा में चलता है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, सो डाउन की तरफ चलता है। तीसरा जो है साइडवेज, ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, एक डायरेक्शन में घूम रहा है। सो तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं, वो आपको देखना चाहिए। और ये जो साइडवेज जो होता है वो बीच में रुका रहता है और ना ही वो बढ़ता है ना ही घटता है। देखिए, जब बाज़ार तेज़ी का हो तो हायर टॉप हायर बॉटम बनाता है, मंदी का जो होता है तो बाज़ार जो है वो लोअर बॉटम एंड लोअर टॉप बनाता है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और जब साइडवेज में रहेगा तो एक रेंज में रहेगा, ना ही ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो ये ट्रेंड को पहले देखना चाहिए कि ट्रेंड बाई का बन रहा है या शॉर्ट का बन रहा है, वो हमेशा देखना चाहिए। और ट्रेंड अगर एक बार आपको पता चल जाए तो आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन देखिए, अगर साइडवेज मार्केट होता है ना तो हमेशा ज़्यादातर लॉस होता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो भी आपको प्रॉफिट कराएगा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है ना तो भी प्रॉफिट कराएगा, लेकिन साइडवेज मार्केट में ज़्यादा पैसा नहीं बनता है। सो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो शेयर अप जाएगा या डाउन जाएगा वो आप जो है वो ट्रेंड देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगा। वो कौन सी दिशा में जाएगा वो आपको देखना चाहिए और फिर आपको ट्रेड करना चाहिए। ओके सर, हम आपकी बातें ज़रूर ध्यान रखेंगे। वैसे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए? देखिए, चार्ट को देखना बहुत ही सिंपल है। आप छोटे बच्चों को भी पूछोगे ना, वो भी स्क्रीन देखकर बता सकेगा। अगर लाइन ऊपर जा रही है, ऊपर है और तो ऊपर की दिशा में जा रहा है, नीचे जा रही है तो नीचे जा रहा है, और कहीं नहीं जा रही है तो साइडवेज है। इतना सिंपल चार्ट होता है। चार्ट देखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंसान चार्ट ईजिली देख सकते हैं। और बचपन में हमने स्कूल में चार्ट बनाना सीखा ही था, तो उसमें कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है चार्ट देखना। सर, ये जो ट्रेंड है ये कितना सही होता है, उस पर कितना डिपेंड होना चाहिए कि वो अप जाएगा या डाउन जाएगा? देखिए, ट्रेंड के साथ दो से चार चीज़ और देखनी चाहिए कि उसमें कनेक्शन कितना आ रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, कितने टाइम में नीचे आ रहा है, ये सब देखना चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए वॉलीटिलिटी देखनी चाहिए, उस हिसाब से हमें उस पर डिपेंड होना चाहिए। देखिए, सिर्फ एक चीज़ों को लेकर आप नहीं देख सकते, ये सारी तीनों चीज़ों को आपको जो है वो चार्ट पर देखना पड़ेगा। सर, इसके अलावा हमें और क्या देखना चाहिए चार्ट में? देखिए, चार्ट में मोमेंटम भी आपको देखना चाहिए, वो ऊपर है कितना नीचे जा रहा है वो भी देखना चाहिए। इसका मतलब जो चार्ट में कितनी लाइन जो है ना तेज़ी से जा रही है कि नहीं, वो भी देखना चाहिए। देखिए, स्कूल कॉलेज में हमने बचपन में सीखा ही है चार्ट बनाना, तो 30 डिग्री से ऊपर जा रहा है ऐसी दिशा में, या 60 डिग्री जा रहा है या 90 डिग्री जा रहा है, ये देखना चाहिए। मतलब अगर 30 डिग्री से जा रहा है तो स्लो जा रहा है, राइट। 60 डिग्री से थोड़ा ऊपर जा रहा है, और 90 डिग्री मतलब एकदम स्ट्रेट जा रहा है ऊपर की तरफ, राइट। तो ये आपको समझाता है कि उसका मोमेंटम क्या है। सो मोमेंटम भी देखना चाहिए कि फास्ट है कि स्लो है, लाइन ऊपर कौन से कोने में जा रही है, मतलब यू नो 60 डिग्री 90 डिग्री स्लो जा रहा है फास्ट जा रहा है, ये आपको देखना चाहिए। लेकिन मोमेंटम की भी है ना एक लिमिट होती है, तो वो लिमिटेशन ध्यान में रखते हुए आप इसको चार्ट को देखना चाहिए, उसमें पैसा लगाना चाहिए। चार्ट में मोमेंटम, ट्रेंड और उसकी स्ट्रेंथ भी देखनी चाहिए। सो ये तीन चीज़ यहाँ पर भी आपको देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो आपको बताया है वो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है। मार्केट में किस तरह रिस्क और रिवॉर्ड का एनालाइज करना चाहिए? अगर आपको ट्रेड करना हो तो आपको जो बातें तीन चीज़ें के साथ जो है ना मैंने बताई, वो चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। और उसके साथ में और भी चीज़ें देखनी चाहिए, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये भी देखना चाहिए कि अभी रिसेंट रेजिस्टेंस इसका कहाँ पर है,
और इसका स्टॉप लॉस मैं कहाँ लगाऊँ वो भी आपको जानना चाहिए। अगर आपको ट्रेड करना है तो आगे मैंने तीन चीज़ बताई, उसके साथ में और भी चीज़ें देखनी, और वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस, कि हाल ही में अभी जो प्राइस, जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है, उसने रिसेंट रेजिस्टेंस कहाँ पर बनाया है, उसने सपोर्ट कहाँ पर बनाया है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अभी करंट मार्केट प्राइस जो आपकी प्राइस है वो प्राइस कहाँ पर चल रही है, सपोर्ट के पास चल रही है या रेजिस्टेंस के पास, वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये भी आप जान लीजिए। और सपोर्ट रेजिस्टेंस जितना अपनी प्राइस से दूर होगा ना, उतना रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है ना वो आपकी फेवर में आएगा, और उस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि रिस्क रिवार्ड रेशियो कहाँ पर है। तो जितना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप देखोगे उतना आपको जो है रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में आएगा। और इसके साथ में और भी एक चीज़ है, अपना डिसिप्लिन ध्यान में रखिए, बिकॉज सब कुछ बराबर है और अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है ना तो सारी चीज़ बेकार है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि टेक्निकल को यूज़ करो और साथ में डिसिप्लिन भी रखिए, तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा। सो दोनों ही चीज़ों को कैलकुलेट करके आप रिस्क रिवार्ड रेशियो को जान सकते हैं। धनश्री अकेडमी एक एजुकेशन प्रोवाइडर है जहाँ पर स्टॉक मार्केट कोर्सेज होते हैं। अगर आप कोर्स सीखना चाहते हैं तो धनश्री अकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप चाहें तो इसका ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। वेल, थैंक यू निमिश सर, आपने हमें जो भी जानकारी दी उस सब के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही नए वीडियोज़ पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। धनश्री अकेडमी, Your money, your dreams, our training. Join our courses to learn stock, commodities, derivative market. For more details, log on to www.dhanashriacademy.com. Thank you for watching this video.